उसकी खुशबू जो है चारों तरफ जाती है तपस्या की, भक्ति की, और दसों दिशाओं में जाती है। तो वो खुशबू जो है कहां तक पहुंची? लक्ष्मी जी, रुद्राणी और ब्रह्माणी तक। कैसा? मृत्यु लोक में एक ऐसी नारी है जो बड़ी तपस्विनी है, लक्ष्मी जी से भी ऊपर। अब लक्ष्मी जी पे सहन नहीं भयो, मोते ऊपर और वो मृत्यु लोक में, मैं कैसे सहन कर लूंगी। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को बुलाया, बोले जाओ और बाकी तप को थोड़ा सा खंडित करके आओ। बोले कैसे तप खंडित होगा? बोले जो नारी अपने शरीर के अंगों को ज्यादा से ज्यादा दिखा देती है उसका तप खंडित हो जाता है। पहली माता है ना, अपने पूरे शरीर को ढक के रखती थी, यहां तक कि कमीज पहनती थी, है पूरा शरीर उनका ढका रहता था। अभी भी बहुत सारी माताएं हैं जो पूरे शरीर को ढक के रखती हैं, लेकिन अब फैशन दूसरी होती चली जा रही है। बोले जो जितनी नंगी रह ले उतनी बड़े खानदान की है, ऐसा मान लिया जाता है। नहीं, वो बड़े खानदानी कैसे जाएगी? कम कपड़ा पहरवे तो बड़े खानदानी की है जाए तो भैंस तो बिल्कुल ही ना पहन रही। सोते बड़े खानदानी की तो फिर भैंस है गई है। तो कम कपड़ा पहरवे तो बड़े खानदान के ना होते ही। सचमुच में जिन्होंने अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादाओं को बचा के रखा है, हैं, सचमुच में वही मैया बड़े खानदान की है। तो अनसुईया से कहा, तीनों देवों से कहा कि जाओ और उसको जो है एक बार तुम निर्वस्त्र देख लो, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ? तीनों देव भिखारी बन करके गए। भिक्षाम देही, आवाज लगाई। माता अनसुईया निकल करके आई, बोले बाबा क्या चाहिए आपको बताओ। बोले डाल झोली में कुछ भी देना, पर एक तरीके से डालना जैसे हम कहें। बोले बताओ। बोले निर्वस्त्र होकर के डालना है। अनसुईया जी ने नै कहू शंका न करी, देर नहीं करी, उन्हें तो अपने तप पे विश्वास था। हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगी भिक्षा, जैसे आप चाहोगे वैसे मिलेगी। और तीनों की आंखें फटी की, बोले जान तो नै कुछ सोची नहीं है। जाको राखे साईया मार सके न को, बालन बाको कर सके चाहे सब जग बैरी हो, चाहे सब जग बैरी हो। एक बात बताऊं भैया, आदमी का अपना धर्म ही रक्षा करता है, अनसुईया का अपना धर्म है, धर्म रक्षा करता है। उन्होंने जो हाथ में जल लिया और कहा मैंने आज तक जिंदगी में जब से होश संभाला है तब से किसी भी परपुरुष को गलत दृष्टि से न देखा हो तो ये तीनों के तीनों बाबा और बालक बन जाए। जैसे जल छिड़का और सोई बालक बन गए। अब रोअल लगे नंगे दड़ंगे। अब सिद्धांत क्या कहता है कि तुम कितने बड़े क्यों न होए, लेकिन दूसरों को नंगे करने का प्रयास करोगे तो दूसरों होगो कि नहीं होगो जो तो पतो ना है, लेकिन स्वयं नंगो जरूर है जागो। है? आए थे नंगा करने और आज कैसे पड़े हैं नंगे, है ना? जो तो कांटे बबे तू बबे बाकू फूल, तो कू फूल के फूल है
वाकों वेद रसूल तीनों को खूब भिक्षा डाली। एक दिना दो दिना तीन दिना बीते, लक्ष्मी जी परेशान है, हेरी मैया हो तुम्हारो आदमी शिकवाबाद गयो हो और कह के गयो कि मैं अभी आ रहा हूं एक घंटा में, पूरा दिन निकल जाए। अच्छा फोन हो तो खटखटा देंगी, कहाँ है भाषा अलग अलग कुछ कहीं, कहाँ है आप कछु कहीं कामर रोए है? अच्छा हाँ सड़प्पा होता पिए वारे, बिन की कोई चिंता ना करते, बे मरो चाहे हाँ बिन की बात अलग है। हाँ सही बात कही है। तो लक्ष्मी जी को चिंता है गई, लक्ष्मी जी चिंता कर रही, वहां नारद जी पहुंच गए। बोले बाबा सही सही बताओ, हमारे बे गए हैं और लौटे ना है। नारद जी बोले गए हैं कि भेजे गए हैं? सोई लक्ष्मी जी समझ गई जाको मतलब नारद जी को पता है। बोले गए तो नहीं है, जाए तो नहीं रहे, पर हमने जबरदस्ती भेजे गए हैं। तो बोले अब कजू अतो पता है? तो नारद जी सीधे सीधे बोले बे तो मरे गए। लक्ष्मी जी बोले उनको कौन मार सकता है, उनके बराबर बल है किसी में? नारद जी ने कहा बल कितनो होए, अमरूद का बगीचा लगे होए और बाकी किनारे है कोई व्यक्ति जा रहा होए और बाकी नियत अमरूद पे खराब है जाए, और जब अमरूद तोड़वे को मन में विचार आवेगो तो चाहे कितनो बल होए तो पांव तो कांपी जाएंगे, चोरी का मन में विचार आते ही बल खत्म हो जाता है। जाके डर के मारे इंद्र घबराता है, काल जाकी पाटी से बंधा है, ऐसा दशानन चलता है तो धरती हिलती है, लेकिन जब कुपंथ पे पांव रखता है सीता जी की चोरी के लिए, क्या शब्द कहा, जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न खाही, जाके डर ईसो दस असीस स्वान की नाई, शेर की तरह नहीं है, शेर की तरह नहीं, चीता की तरह भी नहीं, बघर्रा की तरह भी नहीं, लगड़बग्गा की तरह भी नहीं। सो दस शीस स्वान की ना, इत उत चित चला भड़े हाई, कौन की तरह, कुत्ता की तरह, और कुत्तों में भी क्वालिटी होती है, बुलडॉग की तरह नहीं। बोले तो बढ़िया कुत्ता कैसा, इत उत चित चला भड़े हाई, सो दस शीस स्वान इकीना, चौदस सीस स्वान इकीना, इत उत चित चला बढ़िया कुत्ता की तरह। तो इमे कुपंथ पग देत खगेशा,
रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। अरे लक्ष्मी मैया, कुपंत पे कोई पांव रखेगा तो कितना भी ताकतवर हो, उसका बल, उसका तेज, उसका तप खत्म हो जाता है, इसलिए वो तो कल ही मर गए। बोले बाबा ऐसे कहो मत। बोले तुम तो करवा रही हो और हम कहें भी नहीं। करवायो कौने, भेजे कौने जबरदस्ती, हमारे तो कहने पे भी लगाम और तुमने करवाया है। बोले नहीं हमें ऐसा नहीं पता ही। बोले वो पर लेकिन वो मर कैसे सकते हैं? जैसे हनुमान जी ने जब अंगूठी डाली अशोक वाटिका में, अंगूठी को देख करके सीता जी अचंभे में आ गई कि जीत को सके अजय रघुराई पर माया ते असिर रचे नहीं जाए। बोले अंगूठी कहां से आ गई? भगवान को कोई जीतने वाला तो है नहीं दुनिया में, लेकिन माया से ऐसी बनाई भी नहीं जा सकती। अब दोनों बातें एक संग है कि कैसे करें, क्या विश्वास करें। तो ऐसे ही लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि उन्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन नारद जी झूठ भी नहीं बोलते हैं। नारद जी झूठ भी नहीं बोलते हैं और उन्हें कोई मार भी नहीं सकता। अब क्या किया जाए? बोले नारद जी पूरी पूरी बात बताओ सो हमें पतो पड़े। बोले हम तो कछु मत पूछो, बे कल मर गए हो, जन्मू ले लो, रोए रहे हो, वाह वाह कर रहे नंग धड़ंगे, जन्म है गो मेरे को। बोले का प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? बोले प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बोले प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है, चलो तुम्हें यहां खेलते दिखा दे। बोले सही में? बोले हाँ, पूरा अतो पतो बतायो। और बोले जाओ। तो बोले बाबा अब मिलेंगे कैसे हमें, हमाओ का होगा? बोले एक उपाय है, लक्ष्मी बन के मत जाना, भिकारिन बन के जाना। लक्ष्मी जी बोली हम और भिकारिन? नारद जी बोले नहीं बनना है तो अकेली करो और खाओ, हैं? अकेली करो खाओ। बोले नहीं नहीं हमें भी तो चाहिए। बोले चाहिए तो भिकारिन बन के जाओ। बोले ठीक है। तीनों देवियां भिकारिन बन के पहुंची के भिक्षाम देही माते। और जैसे तीन जनी देखी अनुसुईया ने सोई समझ गई कि आगे जमानत कराए वाले है, क्योंकि तीन कैदी परे हैं। तो तीन जनी आई हैं तो जाकर मतलब अनुसुईया पहले तो सोच रही कोई न कोई तो आवेगो। तो तीनों देवियों ने जब भिक्षा मांगी तो माता अनुसुईया ने कहा क्यों तुम्हें भी कहू कंडीशन में भिक्षा चाहिए का, कहू तरीका थे भिक्षा चाहिए का है? सोई तीनों पावन में गिर पड़ी, गलती है गई, क्षमा करना, हमने आपके सत्य को डिगाने के लिए, तप को डिगाने के लिए। तीनों ने कही कि हमसे गलती हो गई, क्षमा करो मैया। तो बोले अब बताओ का चाहिए भिक्षा में? तब भी तीनों कहती हैं कि हमारे पतियों को लौटा दो, भिक्षा में डाल दो, हमसे बड़ी गलती भैया। लक्ष्मी जी ने कहा, अनुसुईया मैया ने कहा सुनो दे तो दूंगी पर आज के बाद किसी के तप को ऐसे डिगाना नहीं, किसी बढ़ते हुए को देख करके तुम पे है सके तो तुम बढ़ो आगे, वहां कोई बुराई ना है, पर किसी बढ़ते हुए को गिराने की कोशिश करना ये गिरे हुए लोगों का काम है, ये महान लोगों का काम नहीं है। ऐसा तो नहीं करोगी आज के बाद? कान पकड़ने लगे। बोले अब नहीं करेंगे। तो बोले मैंने दिए ले जाओ जाओ। और लक्ष्मी जी बोली जामे तो मालूम ना पड़ रही कौन सी को कौन सो है, है? जिन्हें ले जाके कहा गोदम खिलाएंगे हम। बोले तो? बोले हमारे तो जैसे हथकाए वैसे ही कर दो। फिर अनुसुईया मैया ने हाथ में जल लिया और कहा कि यदि मैंने जीवन में किसी में बुराई न देखी हो
अपनी इन आंखों से, तो ये तीनों के तीनों जैसे आए काए वैसे ही है जान, सोई तीनों टाड़े है गए। तीनों टाड़े होकर के और माता अनुसुईया से प्रार्थना करते हैं कि माँ हम पे बड़ी गलती भई है, हमको क्षमा करना, लेकिन हम सही सही बतावे हम पे गलती भई ना आए। बोले तो करवाई गई है, हम पे करवाई गई है। तो जो दूसरों को भैया भिखारी बनाना चाहता है उसे खुद को भी भिखारी बनना पड़ता है।